मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है हम मुंब्रा के एक नंबर रेती बंदर परिसर में। आपको बता दें कि रेती बंदर एक नंबर का जो इलाका है, यहाँ पर ये खाड़ी आप देख सकते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर की शाम में यहाँ पर दो लड़के जो है बताया जा रहा है कि नहाने के लिए आए थे, जिनका नाम है सागर आत्माराम गायकवाड़ 13 वर्षीय और सक्षम कुमार इंगले 12 वर्षीय। ये दोनों बच्चे जो है यहाँ पर आकर नहा रहे थे और इसी दौरान जो है वो लापता हो गए हैं। हालांकि उनकी जो है तलाश जो है यहाँ पर शुरू की गई है कि आखिर बच्चे इसमें जो खाड़ी है इसमें डूब गए हैं। आज तीसरा दिन है बच्चों का डूबने की, जो परिवार है उनका ऐसा कहना है कि तीसरा दिन है और वो खाड़ी में उन्हें तलाश की जा रही है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला है। दरअसल खाड़ी में जो है बच्चे डूबे हैं, इसका अंदेशा इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि बच्चों के जो कपड़े हैं वो यहीं पर मिले थे और उनके चप्पल भी यहीं पर जो है बरामद की गई थी। 18 अक्टूबर की शाम में रेती बंदर एक नंबर परिसर के रहने वाले ये दोनों बच्चे जो है यहाँ खाड़ी में आए थे नहाने के लिए, और सक्षम कुमार इंगले 12 वर्षीय के जो पिता हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सुरेश इंगले, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से दो बच्चे 18 अक्टूबर के शाम से ही लापता हैं, अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि वो यहाँ पर नहाने के लिए आए थे और शायद डूब गए हैं। वो नहाने के लिए आए थे ठीक है, मगर 18 तारीख को जो कंप्लेंट हमने किए थे, मैं तो नहीं था, मेरे घर से थे, मेरे बीवी थे, मेरे बच्चे लोग, तो 24 घंटे के बाद वो लोग रिपोर्ट ये करते थे। तो अभी 48 घंटा हो गया, तो अभी तक हम रात को गए रिपोर्ट लिखवाए, कल भी रात को वो बोले 10 बजे तक आ जाएंगे, तो अभी तक कोई एक आदमी नहीं आएगा। तो सुबह से हम लोग खुद कोशिश कर रहे हैं अगर किधर मिले, मेरा बच्चा ना तो दूसरा बच्चा तो मिलेगा, कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी तक इधर कोई आके डूब के देख रहा नहीं है कि क्या हो रहा है। जिस टाइम ये खबर जानकारी सामने आई कि दो बच्चे यहाँ पर डूबे, उस टाइम पे सर्च अभियान यहाँ पर किया गया था? हाँ किया गया था। उसके बाद से कब से आप जैसे कह रहे हैं कि ढूंढा नहीं जा रहा है, तो कब से नहीं ढूंढा जा रहा है? उस दिन जो आके ऊपर से पड़ाव में देख के गए, अंदर कोई देखा नहीं, कुछ नहीं, उतरे नहीं, और सिर्फ ऊपर से देख के चेक नहीं किया, नहीं किया कल तक। कल सिर्फ एक घंटा ढूंढा है उन्होंने, सिर्फ एक घंटा ही ढूंढने का काम किया, सर्च किया है सिर्फ। दमकल विभाग आई थी? दूर पे भी नहीं, इधर ही सिर्फ आए थे। उस टाइम तो मैं नहीं था, मैं गाड़ी पे था। मैं आया शाम को 4 बजे आ गया, तभी मुझे खबर लगा कि मेरे लड़के का कपड़ा इधर मिला है। मैं कोल्हापुर से आया गाड़ी लेके, मेरे को रात को खबर लगी जैसा कि लड़का गुम हो गया। मुझे लगा इधर किधर खेलने गया रहेगा। जब भी मैं JNPT गाड़ी खाली करके इधर शाम को 4 बजे आया, कंटेनर गाड़ी मेरा ब्रिज के नीचे ही खड़ा है इधर ही। अच्छा, आपके जब बच्चे यहाँ पर आए थे उनके साथ में कोई और भी था? दो बच्चे थे। उन्होंने बताया कि मतलब हमने क्या लोगों से पूछा कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या जब भी पुलिस लोगों ने पूछा तो वो लोग ऐसे बोले कि हम कुछ पता ही नहीं। तो हम लोगों ने कल शाम को क्या किया, नीलेश पाटिल के उनके CCTV कैमरे चेक किए। नीलेश पाटिल हमको सहकार किए, उन्होंने चेक कर लो भाई, जिनको जितना टाइम लगता है उतना टाइम देख लो बोले। तो उनके साथ आए थे, हम CCTV चेक किए, उसमें तो तीन लड़के दिखे, आते हुए मेरा लड़का नहीं था। आते हुए ने खाड़ी की तरफ इधर बाहर आते हुए, रोड की तरफ आते हुए घर से, तो उसके बाद मैंने सोचा अभी ये तीन आए हैं तो रिटर्न कितना है दो घर पे, वो देखने के लिए हमने और एक घंटा वो वीडियो प्ले करके देखा, तो रिटर्न आए दो। और तो उसमें जो अभी सागर बोल के है ना, वो लड़का उनके साथ में गया था, आते समय उनके साथ में नहीं था। अगर उनके साथ में वो लड़का गया तो नीचे मेरा लड़का उनसे मिला रहेगा, वो चारों इधर नहाए होंगे। ये दो डूबने के बाद वो दोनों बाकी आए, तो उनको हमने पकड़ के रात को पूछा, तो वो लोग मेरा लड़का इधर उनको नीचे मिला, तो वो चारों मिलके इधर नहाए रहते, वो दोनों थोड़ा आगे गए बोलते। तो ये अभी भी ढूंढने का काम जारी है, वो भी हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से। यहाँ पे फायर कोई ये नहीं है। क्या नाम क्या है आपका? मेरा भरत नवनाथ आहिरे है, और मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी सिस्टम में काम करने वाले प्लीज़ सब लोग मिल के यहाँ पे आके जल्द से जल्द वो बच्चे के ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि कल यहाँ पे सिर्फ एक घंटा ढूंढा गया है और बच्चे सिर्फ अब जो है फैमिली वाले ढूंढ रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोई भी ऐसा सामने काम करने वाला कोई भी नहीं है, और डिपार्टमेंट तो आया है यहाँ पे, एक घंटा काम किया और चले गया, और उन्होंने गल डाल के चेक किया है, उन्होंने ऑक्सीजन लगा के कल तक जाके चेक नहीं किया। हमारा बोलने का मतलब है कि तुम जितनी भी आपकी मशीन है आप आओ और सब कोशिश करो, और प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके बच्चों को ढूंढने की कोशिश करो, चाहे वो किनारे पे भी हो सकते हैं, बच सकते हैं, कहीं बैठे हो, क्योंकि वहाँ बैठ के कुछ नहीं होने वाला। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी डिपार्टमेंट है आपका,
सब आके यहाँ पे कोशिश करें और बच्चों लोग को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करें, क्योंकि आपने टाइमिंग दिया था कि हम 11 बजे आएंगे, लेकिन आप आए नहीं, अभी तक आए नहीं। और कोशिश 11 बजे का टाइमिंग आज जो कोई आया नहीं अभी सच मेरे बच्चे के साथ दो चार दिन लगा रहे, अगर कल कोई अगर किसी बच्चे का होगी तो कितना दिन लगाएंगे? ये जो अभी पानी में ढूंढ रहे हैं ये आपके लोग हैं? हमारे लोग हैं, हम रात भर बैटरी लेके घुमा इधर टॉर्च लेके पूरा ग्यामन पूरा बोट, अभी हमारा बोट भी आएगा रात में 25 लड़के लोग सुबह 6 बजे तक ढूंढ रहे थे, पूरा चिक्कल था उसमें पैर बैर गया वैसे दबा दबा के देखे रात में, वो भी अंधेरे में हम 25-30 लड़के लोग सब देखा, ये सुबह 10 बजे आने वाले थे चौकी वाले, अभी तक कोई आया नहीं, अभी कोई दिखता है देखो कोई नहीं दिखता, सब अपना लोकल लड़के लोग ही है, मैं खुद उतरने वाला था, मेरे को बच्चे लोग बोला जीजा मत जाओ हम देख लेंगे, मुझे भी तैरना आता है, कार्रवाई करें और उन लोग आज जो मेरे बेटे के साथ हुआ है कल अगर ये लोग ऐसे ये करेंगे तो कल दूसरे लड़के के साथ भी हो सकता है। तो आपने सुना कि परिवार जो है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जो है तलाशी इनका काम ठीक से नहीं कर रहे, जो इनको करना चाहिए था ना वो टाइम पे नहीं कर रहे, अब तक बोलते आ जाओ रिपोर्ट लेना है उसके बाद हम ये करेंगे, वो लड़के को लेके आओ उसका रिपोर्ट लेंगे उसके बाद इसको बुलाएंगे, उसको भी हमने ढूंढा है, वो क्या कर रहे हैं? हम ढूंढे उन लड़कों को सीसीटीवी वगैरह चेक करके, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, सीसीटीवी वगैरह चेक करके हमने ढूंढ के उन लड़कों से पूछताछ किया, तभी उन लड़कों ने बोला तो रपट लिखने के लिए ये लड़कों को हमने उधर लेके गया, इनको आना चाहिए ना इधर, कैसे लिखते हैं मालूम है क्या पुलिस वाले, वो पहले का जो स्टूडेंट रहता है ना बेटा नाम क्या है बाला, बाला वो बोलेगा बाला गाड़े तो ये बोलेगा बाला उसके बाद गाड़े, इतना सा एक रिपोर्ट लिखने के लिए एक पेज दो घंटा साला, मेरा दूसरे वाला लड़का इंग्लिश मीडियम मेरी लड़की है दूसरी तीसरी में, अगर उसको बोलेंगे ना एक घंटे में वो 20 पेज लिखेगी, तो इनको एक पेज लिखने के लिए वो भी मराठी में 3 घंटा 2.5 घंटा। वो सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है सर, तुम इसमें टाइम डालोगे तो कब आके ढूंढोगे, आपके जितने भी सिस्टम है आप प्लीज यहां पे लाके जल्द से जल्द वो बच्चों को ढूंढने की कोशिश करो। नीलेश भाई 18 अक्टूबर को जो है शाम से ही इनका लड़का और एक लड़का और वो लोग इसमें डूबे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जो है उसकी तलाशी अभियान जो है वो ठीक तरीके से नहीं की जा रही, अगर ठीक से किया जाता तो वो अब तक शायद मिल गया होता। जी पहली बार तो बहुत दुखद घटना हुई है हमारे एरिया में कि हमारे दो 12 साल के बच्चे लोग जो यहाँ पे तैरने के लिए आए थे वो भी किसी को बिना बताए कि यहाँ पे आके वो पानी के भाव ज़्यादा था इसमें बह गए और डूब गए, वो भी कैसे मालूम गया कि उनके साथ में दो लड़के लोग थे, उनको जब पता है हमें पहले मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे डूबे करके, जब यहाँ पे ढूंढना चालू किया यहाँ पे उनके कपड़े मिल गए यहाँ पे तभी मालूम गया कि यहाँ पे किधर तो रहेंगे ना फिर जाएंगे, जब लड़के लोग को पूछा यहाँ के दो बच्चे लोग थे तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग तैर रहते करके पानी का उनके जो थर्माकोल रहता है वो लेके वो लोग अंदर चले गए थे, जिससे वो छूटने के वजह से दोनों भी एक दूसरे को पकड़ के अंदर डूब गए। तो अभी जो तलाशी जा रही है कल हम लोग ने पुलिस स्टेशन में भी जाके वहाँ पे उन लड़के लोग का टेस्ट ये हो गया स्टेटमेंट लेके हो गया उनका, अभी जो तलाशी जा रही है अभी हमारे भी हम लोग भी हमारे तरह से तरीके कर रहे हैं, पुलिस वाले भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उनकी बॉडी हम लोग ढूंढ सके करके, और जितना जल्दी हो सके क्योंकि अभी पानी का भाव ऐसा है कि अभी 4 दिन पानी भरने वाला है। जो बच्चे के पिता उनका कहना है कि सिर्फ 1 घंटे ही ढूंढा गया, जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन 1 से 1.5 घंटे ऐसा ढूंढा गया, उसके अगले दिन ढूंढा गया, सामने ही बोल रहे हो, और अभी आज भी बोले आने के लिए लेकिन कोई आया नहीं, जिस दिन उन्होंने ढूंढा उस दिन मैं नहीं था। जी पहली बार तो हमें मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे डूबे करके, जब वो दो लड़के लोग को हमारे मालूम गिरा कि जो उनके साथ में तैर रहे थे, पहले मालूम ही नहीं था कि वो लड़के लोग उनके साथ में है क्या नहीं, जब हमारे सीसीटीवी फुटेज हमें मालूम गिरा कि लड़के लोग उनके साथ में है, तभी वो लोग को अब लड़के लोग को पूछने के बाद मालूम गिरा कि वो लोग साथ में है, तभी यहाँ पे वो लोग डूबे करके, इसके लिए कल से हम लोग कल रात के ऐसे हम लोग का सब फुटेज देखने के बाद रात को मालूम गया तभी से हम लोग का अभियान चालू हो गया है यहाँ पे, क्योंकि पानी जो है ज़्यादा है, दूर भी डेड बॉडी मिल सकती है, साइड भी मिल सकती है। जी अभी पानी का भाव कैसा है अभी ज़्यादा ही है, अभी 3-4 दिन ऐसे ही रहने वाला है, जितना जल्दी हम लोग हमारे तरफ से कोशिश हो सकती है हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, जितना जल्दी हो सके हम लोग ढूंढने की प्रयत्न कर रहे हैं। जिस तरह से आपने सुना कि जो परिवार है उनका साफ कहना है कि बच्चे जो है खाड़ी में जो डूबे हैं उन्हें ढूंढने की जो है तलाश करने का अभियान जो है वो
तेज किया जाए। और परिवार के लोगों का कहना है कि आज सुबह जो है कहा गया था उनसे कि यहाँ पर पुलिस आएगी और तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी तलाशी अभियान शुरू नहीं किया गया है। और जो लोग ढूंढ रहे हैं, पानी में गोता लगा रहे हैं, वो जो है इनके अपने लोग हैं, वही लोग तलाश कर रहे हैं। दरअसल जो दो बच्चे गायब हैं उनका नाम है सागर आत्माराम गायकवाड़ 13 वर्षीय और सक्षम कुमार इंगले 12 वर्षीय। ये दो बच्चे जो है 18 अक्टूबर की शाम से ही जो है लापता है, बताया जा रहा है। यहाँ पर नहाने के लिए आए थे और उनका कपड़ा और चप्पल यहाँ पर मिला था। दरअसल आपको बता दें कि परिवार के लोगों को भी अपने बच्चों पर खास तौर पर नज़र रखना चाहिए, क्योंकि जो ये रेती बंदर का ये इलाका है, जो ये खाड़ी है, दरअसल ये एक दलदल वाली खाड़ी है। नहाते वक्त इसमें अगर पैर नीचे दलदल में फंस जाता है तो उसकी डूबकर मौत होनी निश्चित हो जाती है। परिवार के लोगों को भी अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा कि ऐसे दलदल खाड़ी जो भी है वहाँ पर ना जाकर नहाए। अब तक ऐसी रेती बंदर इलाका जो है और ये खाड़ी दीवा हो गई या फिर चूहा पुल हो गया, यहाँ पर अब तक कई बच्चों ने जो है इस तरह से अपनी जान गंवाई है। कैमरामैन नीलेश के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।